भाई ये देखो, ये हमारी शादी की एल्बम देखी जा रही है, क्योंकि इन बच्चों ने देखी नहीं थी। ये देखो भाई, हमारे बाबू की फर्स्ट राखी है, और फर्स्ट राखी में हमारे बाबू के कितनी सारी राखियां बंधी है। मेरी बेटी बेटी तो भाई देखते ही देखते अंधेरा हो गया। बस उधर से गाड़ियां आ रही हैं, अभी थोड़ा रास्ता दिया उन लोगों को। 560 क्वार्टर थे इस कॉलोनी में, मतलब अभी भी है। और उन 560 क्वार्टर में सिर्फ कितने बंदे रहते हैं? 6 से 7 बंदे बस, बाकी सब खाली करके जा चुके। ये दो बहनों का प्यार देख लो, कितने बजे हो रहा है? 12:30 बजे। ये देखो भाई, सुबह सुबह क्या मस्त बारिश हो रही है, और मौसम तो एकदम काला रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब भाई? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आज है रक्षाबंधन, और जो रक्षाबंधन की तैयारी है भाई, बहुत जोरों शोरों पे चल रही है। और जो टाइम है राखी बांधने का, वो है भाई 1:30 बजे से। और भाई अब तो टाइम भी होने लग गया राखी बांधने का, पहले तो होता भी नहीं था कुछ भी। पहले तो दो दो दिन बाद तक राखियाँ बांधते थे लोग, लेकिन अब नहीं बांधते। तो अब टाइम के अनुसार चलते हैं कि भाई के ऊपर कोई संकट उंकट ना आ जाए। सब्जी गिरा मत दियो। तो अभी मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ ब्रेड पकौड़े। सुमित और मैं ब्रेड पकौड़े खाएंगे भाई, और टाइम भी हो चुका है, अभी नहाए भी नहीं हूँ, और सर में तेल लगा रखा है मैंने। और बाहर तो इतनी तेज़ धूप हो रही है भाई, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई इतनी गर्मी है इतनी। तो अभी खाते ब्रेड पकौड़े, फिर नहाएंगे, और फिर अपना भी टाइम हो जाएगा राखी बंधवाने का। फिर अंडों भी आने वाली है थोड़ी बहुत देर में। तो ये औरत जितना बोल के दिखाती है ना, बक्कल उतार दिया जाएगा। बक्कल बहुत दिन हो गए ना कोड़े नहीं पड़े, टाइम आ गया वो। तो ये कर रहा है भाई यहाँ पे ब्रेड पकौड़े और सब्जी है, सब्जी डाल रहा है इसके अंदर अभी। तो ये तो रेडी हो चुका ना दो के भाई। ब्रेड पकौड़ा खाने में ना बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी, मज़ा आ गया। हाँ भाई, कैसा लगा ब्रेड पकौड़ा? ओके। और जो तू लाया था कल, भाई साहब कल ऐसी जगह से ब्रेड पकौड़े ले गए, ब्रेड भी लाल लाल थे वो, ऐसा लग रहा था उन्होंने जला दिया पूरी तरीके से, इतने लाल थे ब्रेड। और क्या रहा, बढ़िया थे। और उन्होंने आलू भी नहीं था इनमें, देखना क्या आलू की स्टफिंग है भाई साहब, इतने मोटे मोटे आलू भरे पड़े, मजा आ गया। मतलब इतना मोटा भर के आलू रख रखा है उसके अंदर, मोटे मोटे नहीं, स्टफिंग अच्छी है, ज्यादा आलू है। बस खुश मिल गई कलेजे को ठंडक, मेरे भी ब्रेड पकौड़ा खा के मजा आ गया भाई ब्रेड खा के। तो भाई अभी उठ चुका हूँ एकदम रेडी, और बच्चे भी आ चुके हैं, नेहा, रेनू, रोहित और पीयूष, नितिन नेहा और प्रीति भी रेडी हो ही गई है लगभग, अभी बस थोड़ा सा रह रहा है, फाइनल टच रह रहा है प्रीति का भी। चलो बाहर बच्चों से मिलते हैं। तो भाई आ चुके हमारी बच्चा पार्टी, नेहा, रेनू, पीयूष, रोहित, फोन करेगा क्या? और ये नितिन। हाँ भाई जवान गेम खेलने में व्यस्त है, गेम खेल रहा है। तो ये लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं, है ना, जल्दी आ गए इस बार। टाइम देखो 3 बज रहे हैं, और अन्नू अभी तक आई नहीं है, वो ट्रैफिक में है। बाकी सब आ चुके हैं, कार्यक्रम स्टार्ट होगा थोड़ी बहुत देर में। देखो भाई ये बच्चे आए हैं, और ये प्रीति के नेल पेंट लगवा रही है उनसे। मेरे को खुशी हो रही है ना, मैं बच गया, ये तो मेरे से लगवाती है भी है। अच्छा हो तुम दोनों आ गए, अब तुम दोनों एक एक पैर पकड़ लो। भाई हमारे घर के सारे बच्चे ट्रेंड है, ये मेहंदी भी कल इसने नेहा ने रेनू ने लगाई है, मैं तो नाम भी बोल जाता हूँ, कन्फ्यूज हो जाता हूँ। मैं भी कभी रेनू कभी नेहा। मम्मी देख रही है कि मैं रह गई, नेहा ने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई अपने आप, दोनों हाथों पे। देखो रानू ने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई, बढ़िया लगाई है, काम दिलवाएंगे इसे मेहंदी का। भाई ये देखो, ये हमारी शादी की एल्बम देखी जा रही है, क्योंकि इन बच्चों ने देखी नहीं थी, आज देख रहे हैं। मैं भी देख के खुशी मना लेता हूँ कभी कभी, कभी कभी खुशी मना ले तो दुख हो लेता हूँ।
भाई किस कौन कौन शादी के बाद देखता है एल्बम जरूर बताना कमेंट में। तुम बताओ कि तुमने देखी भी नहीं अभी। मैंने तो कितनी बार देख ली, मैं तो शादी की वीडियो भी कितनी बार देख लेता हूँ। मैंने तेरी शादी की वीडियो भी देखी ना, ढंग से देखूंगी। वीडियो नहीं एल्बम। मैंने खुद नहीं देखी, अकेले बैठे किसी को दिखाते हो तो देख भी नहीं। गाइस ये पैरों में स्वेलिंग आ गई है और अब देखिए वो पायल आई नहीं, अब आ गई नहीं वाली। ये वाला पैर खाते पीते घर का है? खाते पीते घर का नहीं है, कल से मार्केट जाते हुए मेहंदी वेहंदी लगवाने में बैठे रहने में हो गई है। ये भी टाइट है नहीं, ये सही है, ठीक है, सही है। तो पति की सेवा करो तो जीवन सुखी रहेगा तुम लोगों का, और उससे ज्यादा पत्नियों की करोगे तभी, बीवियों की सेवा करोगे तब तुम्हें कहीं जाके मेवा मिलेगा। पत्नियों की सेवा करो। हाँ पत्नियों की, फिर तो ठीक है। मोटा वो दबा दिए, कहीं ऐसा पता चले कि वो पायल रास्ते में ही खुल जाए। आजा भाई, तेने भी दुखी कर दिया। चलो और वो वाली उसी के अंदर को। तो भाई ये तब काम बहुत ही मेहनत का। और वो वाली दूसरी कहाँ करवाया गया? एक ही पैर में थी भाई। नहीं दूसरी वाली जो नहीं आ रही थी, ये रही ना। हाँ तो ये रखते थे। मैं बताएगा तुम किधर है, अब आओगे तुम, अब आओगे। ऐसे लग रहे हैं। देखो कितना गंदा मुंह बना के रोया जा रही है। मैं गाड़ी में बैठते ही हंसने लगी थी, बता रहा हूँ मैं गाड़ी में बैठती। खत्म हो गई, खत्म हो गई वाली। कौन सी एल्बम निकल रही है भाई? अब ये एंगेजमेंट की रिंग सेरेमनी। चलो ये वाली देखते हैं पहले। अरे फंस गई क्या? अरे कहाँ फंस गई मेरी सुसरी? मेरा अंदर करो तो थोड़ा, उधर से अंदर करो। अब चलो निकालो। वेरी गुड, चलो फ्रंट पेज। वाह क्या ही सुंदर है। चलो तुम ऐसे बैठो ना दोनों, तुम उधर उधर रह रहे, इधर आ जा, इधर हो जा। रिग स्पेलिंग मिस्टेक, रिग। ओ ये रिग लिख दिया आज, देख रहे हैं तो रिग। एंड मिसप्रिंटिंग। हां बहुत सारी हुई गलतियां, बहुत मिस्टेक की है हमारे फोटोग्राफर भाई साहब ने, लैब वाले ना। क्या बात है, क्या बात है भाई, देख रहे हो, देख रहे हो क्या मस्त है, देख रहे हो। ये देखो सह परिवार जी। अरे बालक तो जाने पे जाने से लग रही है। नहीं ये घड़ी कौन है पे? इधर भी है, इधर भी है भाई, इधर भी है, जगह जगह है, इधर भी है। ये देखो भाई इधर भी है, इधर भी है, देखो। तो भाई इधर हो चुकी है रिंग सेरेमनी। हाँ भाई ये तो नेहा को ही ढूंढेगी ना इसमें, क्योंकि ये तो थी नहीं बिचारी, ये तो थी नहीं ना, तभी ये नेहा को ढूंढ रही है एल्बम में। तो यहाँ पे जबरदस्त बात हुई है जिसपे हंसी हो। शादी में ना बहुत ही मजा आया था, बहुत ही। किस दिन प्रीति और मैं तीनों एल्बम देखेंगे और डिस्कस करेंगे और आप लोगों को एक एक चीज दिखाएंगे, एक एक बात बताएंगे उस टाइम की। हाँ करेंगे भाई, करेंगे, जल्दी करेंगे। खुशी देख रहे हो भाई चेहरे पे? मतलब कल इस इंसान का सब कुछ उजड़ने वाला है, खुशी देख लो। है भाई है? सब कुछ खत्म हो जाएगा कल, और खुशी देख लो। ये देखो इसके चेहरे पे खुशी। तो मैं तो खुश रहता ही हूँ भाई, जिसको हमने चाहा वो आज हमारे साथ है। तो मैं इसी वाली एल्बम में हमारी शादी की भी स्टार्टिंग हो चुकी है, तो ये सही रही है वाली एल्बम। इसके बाद देखते हैं शादी वाली, अच्छा तब और मजा आता है। इसके बाद आती है वाली। ये आ गई है, ये आ गई है, ये अब तो नया भी आएगी, ये तो मम्मी भी आ गई, ये चाची है, नया की मम्मी है। तो अभी आ चुकी है हमारे रिसेप्शन की। इसकी तो स्पेलिंग ठीक है ना? वेडिंग सेरेमनी है, मेड इन हेवन। कई बार ना फिक्स ऑन अर्थ, ये लैब वाले गड़बड़ कर देते हैं टाइपिंग करने में, बहुत मिस्टेक करी है। अरे बहुत करी है भाई, वाह 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 वाह, मजा आ गया भाई, सब मजा आ गया। तो है भाई पूरी फैमिली, लेकिन इसमें भी एक दो बंदे कम है, ये भी पूरी नहीं है, अभी कम है, दो चार बंदे।
कैसा लगा तुम दोनों को? बहुत मजा आया, मजा आया, मजा आया। किस दिन जब हम देखेंगे ना, एक एक चीज बताएंगे। भाई अपने तो राखी बन चुकी है प्रीति और मेरे, और अभी इन बच्चों को ना जाना कहीं पे, इसलिए इनसे पहले बंधा ली, और अन्नू अभी तक अपने घर से निकली नहीं है, तो अब सुमित की बारी है। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मोरे। मेरा भाई वीडियो ये अगर आया से इतनी तेरी बन रही है, तेरी बन रही है से मेरी ज्यादा बन रही है। ये जो ब्रांड पर पतंगे का टूट रहे हो घर में, तो भाई बच्चे लोग जा रहे हैं। बाय 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 बाय। मैं तो यही हूँ। अच्छा यही है, यही यही है, यही है, ये जा रही है सिर्फ। भाई इनको ना अपने मामा के भी जाना है, इसलिए जा रहे बच्चे। चाची का बहुत देर से फोन आ रहा है। अच्छा आप दही वल्ला खा के जाएगा? अभी 8 बार फोन आ गया, तब शोर मचा दिया तुमने। तो भाई अब हम लोग भी आ चुके हैं, और मैं तो सो गया था, बहुत गहरी नींद में भी बैठा हूँ, और ये पूरे 5:30 बजे आई है। देखो हमारा बाप, देखो 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 इधर, देखो इधर इधर तुम्हें ही देख रहे पहचान नहीं ला। पहचान नहीं रहा अभी, इतनी गहरी नींद में था भाई साहब, बहुत गहरी नींद में। तो यार भाई जल्दी अगले कल आती है ना सुबह, मैं नहीं कल सुबह तो नहीं आती, मैं आज ही आती हूँ। तो चलो मुँह वगैरह धो लेते हैं। तो भाई ये बारिश का भी आनंद लेते हुए देखो क्या बारिश पड़ रही है, जो सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना वो अब थोड़ी कम हो जाएगी भाई साहब। इतनी तेज अचानक से बारिश स्टार्ट हुई, इतनी तेज भाई, बहुत तेज, मौसम भी ऊपर बहुत खतरनाक है। और प्रीति को तो भी जाना भी है भैया के पास, वो तो अभी राखी बांधने भी नहीं गई है बेचारी। ये देखो भाई हमारे बाबू की फर्स्ट राखी है, और फर्स्ट राखी पे हमारे बाबू के कितनी सारी राखियां बंधी है। मेरी बेटी बेटी मेली, अच्छा मेंढक की तरह, मेंढक की तरह, मेंढक की तरह किसने बांधी बेटी मेली।
गंजू पहचान रहा, याद नहीं आ रहा, भूल गया है भाई गंजू। तो भाई अभी बारिश भी बंद हो चुकी है पूरी और मौसम भी ठीक ठाक हो गया है, तो देर ना करते हुए फटाफट से निकल लेंगे अब, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है भाई, 6 बजने वाले हैं। चलो भाई, राखियाँ तो बंद गई हैं हम लोगों की, तो यहाँ रसोई में काम। बेतू भाई, बेतू गंजू 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 अच्छा देख, हम भी जा रहे हैं, देखो देखो भाई, बोतल पूरी खा जाएगा आज, बोतल खाएगा खाएगा, बोतल ढोल नहीं लाया अपना, ढोल ढोल नहीं लाई मेरी बाबू। भाई अपना हम लोग भी निकल रहे हैं और 6:15 बज चुके हैं और बीटू को कर रहे हैं बाय 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 बाय, रोना नहीं है, रोना नहीं है। तो भाई हम भी निकलते हैं और बारिश भी ना, जहाँ हम जा रहे हैं शालीमार बाग, वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, अभी फोन करके पता करा हम लोगों, तो चलो भाई जल्दी से निकलते हैं और काफी लेट भी हो चुका है। तो भाई पिछले ना 20 मिनट से यहीं पे खड़े हैं और जाम देखो कितना लगा, लोग सब रॉन्ग साइड आ गए हैं भाई, मैं भी रॉन्ग साइड आया हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, रोड तो वैसे वो वाला है और ट्रैफिक देखो भाई आप, मतलब इधर से लोग बार बार बीच में आ जा रहे हैं भाई, सामने वाली गाड़ी निकलेगी नहीं तो तुम इधर से कैसे जाओगे, उधर की गाड़ियाँ तो निकलने तो भाई तभी तो निकलेंगे भाई, देखो लड़ाइयाँ हो रही हैं, देखो कितनी देर में निकलते हैं भाई यहाँ से। तो भाई देखते ही देखते अंधेरा हो गया, बस उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, अभी थोड़ा रास्ता दिया उन लोगों को, अभी इधर से निकल नहीं रहे, उधर की एक एक दो दो गाड़ी निकल रही है अभी, अभी जाम ऐसी है बरकरार। पूरा जाम है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ, ये है भाई हमारी डेसो कॉलोनी और यहाँ पे ना भाई मेरा बचपन बीता है, तो यहाँ जब भी आता हूँ ना भाई इमोशनल हो जाता हूँ, और हमारे बहुत से भाई हैं भाई, यहाँ बहुत प्यार बना रहता था लोगों का। चलो ऊपर चलते हैं भाई, गाइस मैं तो आ चुका हूँ वो भी नीचे घर से, अभी आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ, ये है हमारी पानी की टंकी यहाँ पर, और ये रास्ता ना मेरे पुराने घर की तरफ जाता था, अब तो भाई वहाँ पे कोई है भी नहीं, और मतलब रात को तो छोड़ो यहाँ कोई दिन में भी नहीं आ सकता, ऐसी डरावनी हो चुकी है ये जगह, शालीमार बाग की डेसू कॉलोनी भाई बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो चुकी है। और फिर हमारा नया घर यहाँ पर था भाई, और ये हमारी कॉलोनी का मंदिर, और ये बाहर जाने का रास्ता भाई, मतलब यहाँ जो हम लोगों ने जीवन जिया है ना भाई वो अलग ही जिया है, और ये हमारा यहाँ पे पंप हाउस था, सारी कंप्लेंट वगैरह यहाँ लिखाते थे हम लोग, तो यहाँ का जो जीवन था बहुत ही बढ़िया, और बहुत मतलब किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे किसी भी चीज़ की। और इस पेड़ को हो गए होंगे भाई कम से कम
40-50 साल कम से कम। चलो भाई मैं नीचे बाइक देखने आया था क्योंकि उसके क्लच में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो भाई इधर पार्क में भी देखो कितने पेड़ पौधे हो गए और यहाँ पे टैंक बना दिया पानी का। अब के जो 6-7 लोग ही रहते हैं भाई, 560 क्वार्टर थे इस कॉलोनी में, मतलब अभी भी है। और उन 560 क्वार्टर में सिर्फ कितने बंदे रहते हैं, 6-7 बंदे बस, बाकी सब खाली करके जा चुके हैं भाई यहाँ से। और इस कॉलोनी में भाई किसी ब्लॉक में इतने पार्क नहीं होंगे जितने इस ब्लॉक में थे। 11 पार्क थे भाई अपनी कॉलोनी में, 11 पार्क, और सबकी हालत ऐसी हो चुकी है। और जो मैंने आपको पीछे वाला रास्ता दिखाया था ना भाई, उधर तो मतलब रोड पे भी पेड़ पौधे आ चुके हैं, इतना डरावना हो चुका है वो। और ये कॉलोनी तो वैसे भी भाई बहुत ही खतरनाक है। चलो भाई चलते हैं। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं द्वारका के लिए, और द्वारका जा रहे हैं हम लोग। टाइम हो रहा भाई 11:15-11:30 के आसपास हो रहा है, टाइम मैंने देखा नहीं है। और भाई ओला उबर तो कुछ हो ही नहीं रहा, बहुत मुश्किल से भाई। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं द्वारका, और ये देखो आती केला स्टार्ट हो गया, छुपा लिया। क्या दिमाग मत खराब करना, मैं कोई केला मिला के खा रही हूं। ये रहा अर्श। और अर्श की सकते हैं केला खाने में क्या हो गया है। तो भाई अब पहुंचे हैं यहाँ पर, और बहुत ज्यादा टाइम हो गया। टाइम देख लो कितने बज रहे, 12 बज रहे हैं भाई, पूरे 12। और अब इन दोनों की राखी बंधेगी, सुबह से बंधी नहीं थी भाई। और अभी भी बाहर रोड पे इतना ट्रैफिक लगा हुआ ना भाई, बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, मतलब भाई हद ही हो गई है ट्रैफिक की, तो भाई साहब हद हो गई है। चलो भाई इनके राखी वाखी बनेगी, और उसके बाद गैस करेंगे, सोएंगे भाई, और सुबह उठेंगे और ब्लॉग कमेंट कर देंगे। और जो चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर लाइक जरूर करना वीडियो को। गाना भी तो गाओ, औरत सो ऊपर जाके क्यों बाजी ले रही है आप पगले आजम की तरह। चॉकलेट पूरी खिला दे लौंडे को, खा के बताइए हुई कैसी है, बता कैसी है, अच्छी है। ये मेरी नास पाती है, मत बैठ जाइए कोई। नास पाती थी, नास पाती तुम क्या पाती, कुछ नहीं पाती। ये दीदी अपने राखी बंधवाएगी, और राखी की तैयारी दीदी ने कर दी है अपनी। तो दीदी ने बोला मैं यही वाली मिठाई खाऊंगी, राखी दो भाई, घेवर खुद अपने हाथों से निकाला है, नहीं चाट लो ना, दोगे क्यों। ये प्राणी जो मेरी बेइज्जती करता रहता है ये बहुत गलत है, हाथ चाटने चाहिए थे तुम्हें। पिंक कौन सी, पिंक ये दो बहनों का प्यार देख लो कितने बजे हो रहा है, 12:30 बजे हो रहा है ना, किसी भी टाइम पे हो रहा है। हम सबको खुश, हम सबको खुश करके आए। अब दीदी के लिए कौन सा गाना है, दीदी के सारे गाने, सारे गा मापा, सारे गा मापा, भानीसा भानीसा पादानी। दीदी ने भाई इतनी जल्दी निकाला था वो घेवर, खिलाओ तो सही। ओहो उंगलियां तक चाट ली तुम्हारी, देख रही फुर्ती, मतलब दीदी घेवर का शहद भी नहीं छोड़ना चाहती उंगलियों में। कुछ नहीं हुआ है, वहां देख ले। अरे ये बता दे तेरा ऐसे करके कौन लगाता है, अरे पागल है क्या। स्माइल प्लीज, गोने वाली शक्लें नहीं बनानी है। बहुत थोड़ा, क्योंकि सुबह से मीठा पेलने में लगी हुई है ये। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो भाई रात को ना वीडियो का एंड नहीं कर पाए थे, तो अब मैं आया हूँ। और बाहर ना भाई बारिश इतनी तेज़ हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो भाई जो कल मैं ना रक्षाबंधन का ब्लॉग बनाया था वो था मेरा ब्लॉग, और हम जाम में भी काफ़ी देर तक खड़े रहे, और हम डेढ़ सौ कॉलोनी गए थे भाई, जहाँ पर हमारा बचपन भी था भाई, बचपन मतलब वहाँ जब भी जाते ना इमोशनली भाई
बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आ जाती है, ऐसी जगह है वो भाई। हाँ भाई, वो था मेरा कल का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा भाई। पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मतलब बारिश हो रही है सुबह सुबह 9:30 बजे, तो बारिश दिखाता हूँ देखो आप लोगों को। ये देखो भाई, सुबह सुबह क्या मस्त बारिश हो रही है, और मौसम तो एकदम काला बार मस्त बारिश हो रही है सुबह सुबह। देखते हैं भाई कब तक बंद होती है, फिर उसके बाद ऑफिस भी निकलना है अपने को। तो भाई ये था मेरा ब्लॉग, आप लोगों को पसंद आया भाई, पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।